Sure, thank you. Oli? Okay, Mohammad Rafi, सबसे पहले तो congratulations. Thank you so much. Thank you. Winner हैं आप हैं. लेकिन हमने सुना है कि YouTube पर आप गाना गाते थे, correct? Great. वहाँ से आप गाना सुनते थे. हाँ. ओमान में और हिंदी गाने सीखते थे. Then वहाँ से आप हिंदुस्तान आए और audition. कैसी रही है journey? कुछ जो थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हमारे fan के लिए. Yeah, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत तलाश किया कि मैं म्यूज़िक टीचर के लिए फिर से ओके 1 2 3 4 मैं बहुत ढूंढा कि मुझको एक म्यूज़िक टीचर मिलेगा, मुझको हिंदी गाना सिखाएगा, मगर मुझको नहीं मिला. सो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट यूट्यूब में जस्ट गाना मैं चालू करता है, जो भी बॉलीवुड मूवी का गाना है मैं बस सुनता हूँ, उधर से मैं जस्ट देन लिरिक्स निकालता हूँ वेबसाइट से और प्रैक्टिस करता हूँ जो मैं से गाता हूँ, यू नो. एंड देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया, सोशल मीडिया में मैं ऑलवेज अपलोड करता हूँ जो बॉलीवुड गाने हैं, मैं उसको कवर करता हूँ एंड गाना गाता हूँ. सो एंड मगर कभी भी नहीं सोचा था कि वन डे आई विल कम टू इंडिया एंड ब्रिटिश शो में मैं पार्टिसिपेट हो जाऊँगा. जब मुझको पता चला इस शो के बारे में, दिल हिंदुस्तानी, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. मॉम बहुत सैड हो गए ऑफकोर्स, क्योंकि जॉब छोड़ना ईजी नहीं है, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि सब लोग को जॉब मुश्किल से मिलता है एंड वो जॉब को तो छोड़ोगे ऐसा, एंड यू आर गोइंग ओनली फॉर ऑडिशन. सो माँ सब माँ को दुख लगता है कि आप उसका बेटा काम छोड़ता है ऐसा. सो माँ भी देखना चाहते हैं बेटा मेहनत करता है, इसका सैलरी मिलेगा, शादी करेगा, बच्चा होएगा. सो आई थिंक वो माँ का सपना तोड़ गया. मैंने वो सैड माँ के आँख में देखकर मुझको बहुत दुख हो गया, मगर मैंने माँ को बोला, माँ मैं जाएगा, अगर कुछ नहीं होएगा मैं फिर से आएगा ओमान में, मैं काम करेगा, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह. मगर मुझको फर्स्ट ऑडिशन में मैं आया, मैं मुझको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सेकेंड ऑडिशन में भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला एंड डायरेक्ट टॉप 11 मिला. वो लाइक अ ड्रीम, यू नो, मैंने बोला इट रियल है, इट्स दिस रियल. एंड इतना अच्छा लगता था. एंड मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया अरबिक स्टाइल हिंदी गाने में. जो फर्स्ट गाना मैंने गाया नैना ठग लेंगे, जो फर्स्ट अरबिक एंड हिंदी मिक्स करें, हाँ अरबिक हिंदी, मैंने क्या किया उसमें जो जो अरबिक बोलते हैं उसका अलाप. सो स्टार्टिंग हो गया लाइक स्टार्टिंग मन 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 या हबीबी नैना ठग लेंगे ठग लेंगे नैना ठग लेंगे. सो ये चीज़ मैंने ऐड किया. सो जजों का अच्छा लगा, बिकॉज आई वांट ऐड समथिंग लाइक अरबिक प्योर, यू नो. बाद में मतलब मैं इंडियन प्योर ऐड करेगा, मगर मैं सीखूंगा गाना दिन ऐड करेगा. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हिंदी अरबिक दोनों में ऐड कर रहा हूँ, मींस को मिक्स कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ. सो इसलिए बहुत जजों का अच्छा लगा. एंड देन मैं शो से एलिमिनेट भी हो गया एंड मैं लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया. अभी मैं जाएगा ओमान में, मैं काम करेगा, फिर से बैंक का काम करेगा. मगर फिर से दिल हिंदुस्तान ने मुझको एक और मौका दिया, वो वाइल्ड कार्ड में. जो वाइल्ड कार्ड में मैंने गाना गाया, मुझको सैनिक ओवेशन मिल गया. सो देन उधर फिर से मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना शुरू किया, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. तो मैं रात को 3-4-5 बजे मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड हम लोग को 7-8 बजे उठने का है. शायद मैं 1 आवर 1 घंटा सोता था, क्योंकि मुझको पता चला कि इंसान मेहनत करेगा आगे जाता है, बिकॉज अगर बैठता है सोता है कुछ नहीं हो सकता है. इवन इन सिंगिंग म्यूज़िक एवरीथिंग, यू नो, कंपोजिंग, जो जो अरेंज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, म्यूज़िक, सब लोग मेहनत करते हैं. सो मैंने और मेहनत किया और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किया, देन अल्हम्दुलिल्लाह और मैं आगे चला गया उस शो में, और आगे चला गया जी. और जब आपने अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा देखो मैं बैंक का जॉब छोड़ कर इंडिया में आया और विनर हो गया, तब आपकी मम्मा का क्या रिएक्शन था? व्हाट अबाउट योर मम्मा'स रिएक्शन? मेरा उधर था, शो में था एंड वो बैठी हुई थी. एंड मैं जब इन लोग को अनाउंस हो गया मेरा नेम कि मैं विनर हूँ, मैं इतना खुश हो गया, यू नो, इतना मेरा आई थिंक मेरा मुंह बस खुला है, यू नो, इतना खुशी हो गया, इतना कि क्या मैं बोलूँ, पहली बार ज़िंदगी में मैं इतना खुश हो गया. देन आफ्टर दैट मैं वो ट्रॉफी लिया, अपने माँ को दिया, उधर माँ बैठी थी, मैंने उसको दी, क्योंकि मैंने बोला ये माँ का है, क्योंकि ये ट्रॉफी मैं इधर आया हूँ अपनी माँ के लिए, माँ को दिया. वो खुशी में माँ का आँख में फिर से देखा. आई रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, वो सैड हो गया, फिर से
वो खुशी फिर से मैंने क्रिएट किया उसके आंख में, इतना मैं खुशी देख के मुझको बहुत अच्छा लगा। देन नेक्स्ट डे हम लोग रात में आए होटल में, माँ नहीं सोती है, मामा सो जाओ, 3-4 बजे आंख खुला है। क्यों मामा नहीं सो, क्योंकि खुशी की वजह से। एंड ऑफकोर्स सब जो माँ होते हैं उन लोग को ज़्यादा खुशी होता है, जो उन लोग को अगर बेटा सक्सेसफुल हो जाता है, आगे जाता है लाइफ में, कुछ बनता है, माँ खुश हो जाता है, यू नो फैमिली भी खुश हो जाते हैं। वो खुशी माँ को देखा, माँ ने क्या बोला, अभी हैतम मैं बहुत खुश हूँ, अभी तुम इंडिया में सेटल होना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, मैं खुश हूँ, मैं आपको यकीन करता हूँ, क्योंकि यू आर हार्ड वर्कर एंड आप, मैं जानता हूँ आप कुछ लाइफ में कुछ बड़ा बनोगे। मोहम्मद, आल्सो योर नेम इज मोहम्मद रफ़ी एंड आल्सो बिग इंडियन लेजेंड सिंगर इज मोहम्मद रफ़ी, बहुत सारे उन्होंने गाने गाए हैं, बहुत सारे हिट गाने गाए हैं, तो सेम नेम, सेम नेम इज, आपका नाम भी सेम है, उनका नाम भी सेम है, तो क्या फील करते हैं आप? एक्चुअली बहुत गर्व महसूस होता है मुझको, बहुत लोग बोलते हैं बट माई नेम, फुल नेम लेते हैं मेरा, बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं आपका नेम एक ऐसे लेजेंड से जुड़ा हुआ है। सो शायद मैं ये बोलता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का, शायद उसका ब्लेसिंग मेरे ऊपर है एंड मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आई एम बिग फैन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं आई रिमेंबर मैं फर्स्ट गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का सुना, गुलाबी आंखें। ओके स्केल चेक करें, मुश्किल नहीं है ना, वो कट होएगा ना? नो हाँ कट होएगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। सो ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है एंड मैं बचपन से सुन के आ रहा हूँ ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का। एंड मोहम्मद रफ़ी साहब का जो भी गाना है इतना अच्छा लगता है, इतना पसंद होता है, मैं उसका मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना भी मैं शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के लिए। ऑफकोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब इज़ अ लेजेंड, इज़ अ, मैं शायद मैं जो वर्ड इसके बारे में बोलूँगा, आई थिंक वो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, आई थिंक वो कुछ नहीं है रियली, कि इज़ अ लेजेंड। जो उसने जो म्यूज़िक चेंज किया, उसने एक न्यू स्टाइल म्यूज़िक में लाया, आई थिंक इज़ ऑल लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब। आई थिंक योर ग्रैंडफादर इज़ बिग फैन ऑफ मोहम्मद रफ़ी। यस यस यस। एंड ही इज़, वो गाना गाते हैं हर जगह, तो वो जरा बताइए कि उन्होंने आपको कितना सिखाया? नहीं नहीं, वो नहीं सिखाया, किसी ने सिखाया मुझे। अच्छा, तो मतलब वो बहुत बड़े फैन हैं। हाँ एक्चुअली हाँ यस, मैं मेरा ग्रैंडफादर वो बिग फैन ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब का फैन है एंड उसको इतना लाइक करता है, उसको इतना उसका गाना सुनता है। एंड आई रिमेंबर हम लोग, याद है वो दिन हम लोग छोटे थे, वो रेडियो में चालू करता था मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना एंड हम लोग भी सुनते थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था, हम लोग क्योंकि छोटे थे ना देर में, और हम लोग बड़े हो गए बाद में पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है, किशोर कुमार का गाना है, किशोर कुमार साहब का गाना है एंड बहुत सारे लेजेंड्स हैं एंड आशा भोसले एंड लता मैम एंड लता जी एंड ऑफकोर्स आर डी बर्मन साहब, दे आर ऑल लेजेंड्स, यू नो माशाल्लाह इंडिया में ऐसा लोग हैं, ऐसा लोग हैं कि सब लोग लेजेंड्स, एवरी वन दे आर ग्रेट एंड मैं सबका फ़ैन हूँ, यू नो मैं सबका इतना फ़ैन हूँ, मैं इतना इन लोग को चाहता हूँ रियली, शायद दुनिया में शायद इन लोग को कोई नहीं इतना चाहता, शायद मैं इतना चाहता हूँ, मैं इतना क्रेज उन लोग के बारे में। मोहम्मद, क्योंकि अब आप विनर हो चुके हैं दिल हिंदुस्तानी के, तो अब आप अपने ओमान जाएंगे या हिंदुस्तान में सेटल होने की सोच रहे हैं, आप क्या प्लान है आपका? अपकमिंग क्या करेंगे आप? ग्रेट, अभी एक्चुअली मैं भी जा रहा हूँ ओमान में, बिकॉज आई हैव शोज देयर एंड लाइव कॉन्सर्ट, या आई हैव लाइव कॉन्सर्ट ओमान में भी है एंड डिफरेंट कंट्रीज में भी है, इंडिया में भी है एंड अभी मैं जाएगा उसमें, वो थोड़ा शोज को करूँगा इंशाल्लाह एंड थोड़ा फैमिली के साथ भी थोड़ा बैठना चाहता हूँ, एटलीस्ट 1-2 वीक्स थोड़ा बैठना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं मिला इतना दिनों से अपनी फैमिली को, बहन है, सिस्टर है, कज़न है, एवरी वन, इन लोग से मैं मिलना चाहता हूँ। उसके बाद एक्चुअली मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं इंडिया में मुंबई में सेटल हो जाऊँ एंड जो एक जगह है कुलावा, मुझको इतना अच्छा लगता है वो जगह, सो इंशाल्लाह मैं प्लानिंग करूँ कि मैं इंशाल्लाह उधर रहेगा और अपना लाइफ मैं इधर इंडिया में बनाऊँगा। तो कोई प्लानिंग है, कोई फिल्मों में गाने की या कोई आपकी बातें चल रही है? बात, अपकमिंग फिल्म या वो बात चल रही है,
ओके एक्चुअली वो अबाउट ओके अबाउट जो जो बॉलीवुड सॉन्ग्स अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी वो स्टिल बार चल रहे हैं सो उसका डिटेल्स इंशाल्लाह आपको सून पता चलेगा. योर फेवरेट एक्टर आपके वो कौन कौन से फेवरेट एक्टर है इंडियन एक्टर जिनको आप बहुत ही पसंद करते हैं कोई ऐसा है जिन. या आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान किंग खान. मैं शाहरुख खान का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. आई रिमेंबर वो ओमान में आया था एक शो में. मैं आई रिमेंबर मुझको मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं आगे का सीट में बैठूँ VIP में, मगर मेरे पास थोड़ा पैसा कम था इसलिए मैं बहुत पीछे बैठा था. मगर इतना मैं खुश था वो दिन किंग खान को देखा. मगर दिल है हिंदुस्तानी की वजह से मुझको किंग खान से मिलाया. वो शो में भी आया. एंड आपने बताया कि जब आप हाँ आए थे मैंने शो में था. हाँ बताया आपने. हाँ मैंने बताया ये किंग खान को कि मेहमान में आप आए थे. एंड एक्चुअली मैंने वो मेरा फेवरेट पोज है शाहरुख खान का जो हाथ करते हैं वो पोज करते और आई थिंक वो ऑलरेडी लोगों ने भी देखा वो फोटोज़ एंड वीडियो. हम लोग साथ में मैं और किंग खान हम लोग वो पोज कर रहे थे. और एक्चुअली मैंने वो दिन एक अरबिक गाना भी गाया जबरा फैन. ओ जबरा फैन. सो जबरा फैन उसका एक अरबिक वर्जन भी है जो विशाल शेखर साहब ने उन लोगों ने वो वर्जन किया था. सो मैंने वो उसका सामने गाया. हम लोग साथ में हम लोग गा रहे थे और डांस भी किया किंग खान का साथ. इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बोलूँ. दिल हिंदुस्तानी की वजह से इतना यू नो इतना अच्छा मोमेंट्स बन गया कि कितना मोमेंट बहुत सारे हैं ख़त्म नहीं होते. चलिए जाते जाते वो अरबिक एंड जबरा मिक्स जो आपने शाहरुख खान के साथ में गाया था वो एक बार हमारे फैन के लिए फिर रैप आप. ओके उसके लिरिक्स में याद कर रहा हूं. ओके स्केल चेक करेगा. ओके عمل لك فولو في تويتر مداقك انا في فيسبوك هنجاوب احسن من جوجل شنو عملتي فيها في مرهتي انا غير سايح حتى في حلاي غير ساهي هبلتني اه يا ويلي جننتي فيها ما ترى هاي رجبرة هاي رجبرة فان هو قيا ما ترى هاي رجبرة هاي رجبرة فان هو قيا. Thank you. Thank you so much. And wish you all the best. Thank you so much. मगर कभी भी नहीं सोचा था कि वन डे आई विल कम टू इंडिया एंड ब्रिटिश शो में मैं पार्टिसिपेट हो जाऊंगा. जब मुझको पता चला शो के बारे में दिल हिंदुस्तानी मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. मॉम बहुत सैड हो गए ऑफ कोर्स क्योंकि जॉब छोड़ना ईजी नहीं है बिकॉज आप लोग जानते हैं कि सब लोग को जॉब मुश्किल से मिलता है एंड वो जॉब को तो आप छोड़ोगे ऐसा एंड यू आर गोइंग ओनली फॉर ऑडिशन. सो माँ सब माँ को दुख लगता है कि आप उसका बेटा काम छोड़ता है ऐसा. सो माँ भी देखना चाहते हैं बेटा मेहनत करता है इसका सैलरी मिलेगा शादी करेगा बच्चा होएगा. सो आई थिंक वो माँ का सपना तोड़ गया. मैंने वो सैड माँ के आँख में देखकर मुझको बहुत दुख हो गया. मगर मैंने माँ को बोला माँ मैं जाएगा अगर कुछ नहीं होगा मैं फिर से आएगा ओमान. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत यू नो तलाश किया कि मैं म्यूज़िक टीचर के लिए फिर से ओके 1 2 3 4 मैं बहुत ढूंढा कि मुझको एक म्यूज़िक टीचर मिलेगा मुझको हिंदी गाना सिखाएगा मगर मुझको नहीं मिला. सो मैंने क्या किया मैंने जस्ट यूट्यूब में जस्ट गाना में चालू करता है. श्योर थैंक यू. ओके मोहम्मद रफ़ी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप थैंक यू सो मच थैंक यू विनर हैं आप. लेकिन हमने सुना है कि यूट्यूब पर आप गाना गाते थे करेक्ट. वहाँ से आप गाना सुनते थे ओमान में और हिंदी गाने सीखते थे देन वहाँ से आप हिंदुस्तान आए और ऑडिशन कैसी रही है जर्नी कुछ जो थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हमारे फैन के लिए. जो भी बॉलीवुड मूवी का गाना है मैं बस सुनता हूँ उधर से मैं जस्ट देन लिरिक्स निकालता हूँ वेबसाइट से और प्रैक्टिस करता हूँ जो मैं से गाता हूँ यू नो. एंड देन आफ्टर दैट मैंने क्या किया सोशल मीडिया में मैं ऑलवेज अपलोड करता हूँ जो बॉलीवुड गाने हैं मैं उसको कवर करता हूँ एंड गाना गाता हूँ. सो एंड